राजधानी जयपुर के जोबनेर में श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और कुलपति पीएस राठौर ने किया। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया, तो वहीं कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए सभी से खेती में नई तकनीक अपनाने और उन्नत कृषि की ओर से बढ़ने का आह्वान किया। मेले के दौरान कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किसानों से संवाद कर उन्हें फसलों को बीमारियों से बचाने और पैदावार बढ़ाने को लेकर सलाह दी गई। जोबनेर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आज किसान मेला आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी निश्चित रूप से किसानों को इस प्रकार के मेले का आयोजन करके कृषि से नवाचार से जोड़ने के लिए, पानी का ऑप्टिमम यूज समझाने के लिए, सॉयल हेल्थ के बारे में जानकारी देने तथा जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसे विषयों के साथ साथ में ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ में डाइवर्शन करके, इनोवेशन करके, नवाचार करके किसान अपनी आमदनी 2022 तक दुगना कैसे करे, इसके बारे में आज यहाँ पर जोबनेर में मेले का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि किसानों में जागृति बढ़ी है, और जागृति बढ़ने से पहले जहाँ ग्रीन हाउस, पोली हाउस, नेट हाउस या प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी नहीं लगाते थे राजस्थान में, लेकिन आज उसका प्रसरण बढ़ा है। जहाँ 9 लाख स्क्वायर मीटर तक का हमारा जो लक्ष्य था वो बढ़कर अब 36 लाख तक किसानों ने आवेदन कर दिए हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन मेलों के आधार पे तकनीकी ज्ञान जो है वो तकनीकी ज्ञान किसानों को मिलता है, तो निश्चित रूप से किसान देखकर प्रोत्साहित होता है। और खासतौर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन किसानों को हम लोग सम्मानित करते हैं, ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो यदि किसान मेले में उनको सम्मानित मंच पे किया जाता है तो और लोगों के मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों नहीं पैदा करूं। तो अच्छा काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, सम्मानित भी करते हैं, और सारे वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए नवाचार के बारे में, राजस्थान की योजनाओं के बारे में और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में इन मेलों के माध्यम से हम किसान तक पहुँचाने का काम करते हैं।